पल्सर 150 के अंदर करंट नहीं आए तो कैसे चेक करें, पूरा प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिए। इस बाइक के अंदर लॉक के अंदर दो वायर वाली है, इसके अंदर लॉक तो हमने इसका लॉक ख़राब है इसलिए हमने लॉक का वायर डायरेक्ट कर दिया है। तो डायरेक्ट कर दिया है तो अब चेक करते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर हम प्लग वाली वायर को लगा के टिक मार देते हैं, करंट नहीं आ रहा। अब इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्टार्टिंग से, इसको कैसे करें, इसका यह है मैग्नेट कोल। सबसे पहले इसको चेक करना चाहिए, मैग्नेट कोल तो खराब नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमारे को इस सॉकेट को बाहर निकालना है। इस सॉकेट के अंदर कुल 5 तार होती है, 5 तार में एक तो ये है न्यूट्रल लाइट का, ये हो गया वाइट वाला पिकअप कॉइल का, ये हो गया अर्थिंग का, और 2 हो गए लाइटिंग कॉइल का। तो इसको चेक करने के लिए लाइटिंग कॉइल को चेक करना चाहिए, इसके अंदर वापस लगा दो। लाइटिंग कोयल के 2 तार होते हैं ब्लू के अंदर वाइट तार, इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसके अंदर दोनों वायर को आपस में टच करना होता है, इसलिए एक के अंदर वायर लगा दिया और दूसरे के अंदर वायर लगा के किक मार दिया, करंट आ रहा है। तो इसका लाइटिंग कोयल सही है, तो इसको हम कैसे सेट कर देते हैं। इसके बाद एक तार आएगा ये पिकअप कॉल को, पिकअप कॉल को चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मल्टीमीटर होता है। इस सॉकेट को बाहर निकालिए, बाहर निकालने के बाद मल्टीमीटर चेक करें, मल्टीमीटर को कंटिन्यू कर रखें, कंटिन्यू करने के बाद में इससे और सारे अर्थिंग से डायरेक्ट देंगे तो इसके अंदर लगभग 200 से 230 के बीच में आना चाहिए, इससे कम ज़्यादा होगा तो लगभग आपका ये पिकअप कॉल खराब हो सकता है। 200 से 230 के बीच में आए तो पिकअप कॉल चाहिए। इसके आगे और क्या करना चाहिए, इस गाड़ी के अंदर इंटर रिले नहीं होता है, ये देख लीजिए आप, इस गाड़ी के अंदर इंटर रिले नहीं है, इसका डायरेक्ट इग्निशन का डायरेक्ट करंट इसके अंदर आता है बिना कोई इंटर रिले के लिए। इसके आगे चेक करने आपको सीडी कोल को चेक करना है, वो सेम वाइड वाला तार ये सीडी के अंदर आता है, इसको यहाँ से बीच में कटा नहीं होने के लिए यहाँ से भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे करंट आ रहा है तो एक तार है यहाँ पे अर्थिंग का, इसको चेक कर लीजिए, अर्थिंग भी आ रहा है तो एक लास्ट में रह गए ये करंट का, ये मेन करंट का वायर आ रहा है आपको इस स्विच से, ये बटन लगवाएं यहाँ से। यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको स्विच ऑन होना चाहिए, स्विच के अंदर इसके अंदर 2 तार है, वाइट वाला है जो डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है, ये स्विच ऑन होने के बाद में इसके अंदर करंट चला जाएगा जो कि वायर है लगे। इसके अंदर करंट स्विच ऑन होने के बाद आएगा और ये सीधा वायर आ जाएगा आपने इस बटन के, इसके अंदर 2 तार होते हैं, यहाँ पे आ गया ये बटन ऑन होने के बाद में इसके अंदर करंट आएगा जो कि सिल्वर पे रेड कलर है, सिल्वर पे रेड, सिल्वर के अंदर रेड तार वाले अंदर करंट नहीं आ रहा है तो आप इस बटन को खोल कर सही कर देंगे, ये सही नहीं है तो यहाँ से डायरेक्ट करके भी चेक कर दें। डायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे करंट आ रहा है तो इसके आगे देखिए यहाँ पे चेक करने का, इसके अंदर यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है तो बीच में से लग हो सकता है कहीं से वायर इस लाइन से कट भी हो सकता है। और इसको एक और तरीका है सीडी को चेक करने का, यहाँ से डायरेक्ट बैटरी से करंट दे देंगे तो भी ये गाड़ी स्टार्ट हो सकता है, परंतु ये अच्छा नहीं है क्योंकि होल्ड हो सकता है और गाड़ी कहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए इस बटन को इस वायर को चेक करना जरूरी है। इसके बाद चेक करते हैं ये 2 तार है गए, ये 2 चेसिस कोयल के होते हैं पीछे की और आगे की, इसको चेक करने के लिए हमें
पिच इस कोयल का वायर निकाल दे और इसको बॉडी पे टच करे, स्विच हमारा डायरेक्ट है और किक मार दे। यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है और अगली वाली कोयल का पिच चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं आ रहा था, इसका मतलब क्या आपका सीडी खराब है। तो सीडी चेंज करके देखते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद में हम वो सेम ही वेरो का सीडी लाए और इसको लगा के ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके गाड़ी के अंदर सीडी ही मिस्टेक है। इसके बाद में कोयल को वापस से लगा देते हैं। इसके अंदर प्लग के अंदर एक तार लगने से भी स्टार्ट हो जाता है, परंतु पूरा स्टार्ट नहीं हो रहा है, मिसिंग कर रहा है। इसके अंदर दूसरा लगाने के बाद में एकदम स्टार्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से।